अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज़ के साथ हतीकर मान आदर खिदमत हूँ। टेक्सला की हर दिल अजीज शख्सियत, टेक्सला के पुरकशिश शख्सियत आजी मलक नसीरुद्दीन साहब अपने बेटे मुस्तफ़ा मलक के हमराह उमराकार के वतन वापस आ गए हैं। तो आजी मलक नसीरुद्दीन साहब को मिलने बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके ढेरे भी अभी जो जमीलाबाद के उनके बड़े प्यारे और मुखलिस साथी हैं हमारे भी जानने वाले हैं। आजी मलक परवेज़ अख्तर रहमान साहब ये आए हैं, आजी नसीर साहब को मिल रहे हैं और इनके साथ बातचीत भी होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आजी नसीर साहब के बारे में बताता चलूँ, वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, ना ही वो अपनी शिनाख्त बताने के मोहताज हैं। वो एक ऐसी पुरकशिश शख्सियत है, उनकी शख्सियत में ऐसी मकनतीसियत है जो बंदा एक दफ़ा आजी नसीर साहब से मिलता है वो बार बार उनको मिलने के लिए तमन्ना करता है। तो आइए मिलते हैं आजी नसीर साहब से। उमरा मुबारक कार के आए तो क्या महसूस करने गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर मोमिन मुसलमान अल्लाह ताला तौफीक देवे और जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो जहाज आई एंडे वो दवाइयाँ शवाइयाँ कीतियाँ ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल तेरे व्यूअर्स से भी कीतियाँ, तेरे से भी कीतियाँ, सलाम भी पेश कीता है परवेज से भी कीतियाँ, सारे सजा मेहरबान कीतियाँ, कुल मोमिन मुसलमान कीतियाँ। चलो जी, अल्लाह ताला कबूल करे। तुसी के कोई आजी साहब मुबारक देने हैं? बहुत बहुत मुबारक जी, अल्लाह पाक इन्हें सादर नसीब फरमाइए, अल्लाह जी इन्हें इबादत कबूल करो। यकीन अल्लाह पाक ने कहा कि जितना टाइम सी तो जितनी भी दोस्त जितनी अहबाब है सारे वास्ते दुआ दुआ कर अल्लाह पाक सारे अपने घर का इंतजार करा, अल्लाह पाक सारे आमीन सुम आमीन। जज़ाक अल्लाह।